इसमें जो है आपके वाटेज जो है स्पीकर के वाटेज जो है बढ़ जाते हैं। जैसे कि ये 200 वाट 8 ओम का है और ये भी 8 ओम का, ठीक है, ये 8 ओम का दोनों मिलाकर। तो हेलो गाइस, मैं हूँ राजा साहू और मेरे चैनल डीजे राजा के WD में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है स्पीकर के कनेक्शन के ऊपर। जैसे कि आप लोग जानते हैं स्पीकर का कनेक्शन दो टाइप से होता है, ठीक है, एक तो पैरेलल कनेक्शन होता है और एक सीरीज कनेक्शन। तो इसी कनेक्शन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं और कनेक्शन भी करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो उससे पहले गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबा देना। हम लोग डीजे से रिलेटेड वीडियो जो है बनाते रहते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये रखा है मेरा स्पीकर, ये आप देख सकते हैं, ये रखा है स्पीकर, ठीक है। तो इसी को हम लोग कनेक्शन करेंगे पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शन, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, इसमें मैं पूरा डिटेल इसका दे दूंगा, ठीक है, और आप लोग आसानी से जो है इसका नुकसान भी बताऊंगा गाइस कि क्या नुकसान है सीरीज कनेक्शन पे और पैरेलल कनेक्शन पे क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करें। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये हमारा 200 वाट का स्पीकर और ये हमारा 200 वाट का स्पीकर है। ये दोनों जो है 200 वाट के स्पीकर है, तो हम लोग अभी जो है पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शन करेंगे। तो इसमें मैंने दो वायर लगा लिए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर इसका कनेक्शन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज कनेक्शन करते हैं, ठीक है गाइस। सबसे पहले हम लोग सीरीज कनेक्शन करते हैं। सीरीज कनेक्शन कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना गाइस मैं आपको, और हाँ, ये वायर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है इस वायर में कि मतलब लगाऊंगा तो आपको दिखाई दे, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी थोड़ा साफ़ नहीं है इसलिए गाइस। तो चलिए फिर कनेक्शन करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैंने दो वायर ले लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका एक वायर जो है इसका माइनस वाला वो वायर जो है निकाल देता हूँ, उसको रखता हूँ साइड में, ठीक है। तो ये हमारा प्लस, पहला स्पीकर का हमारा प्लस, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला ये हमारा पहला स्पीकर का प्लस है, ठीक है। उसके बाद इसको हमको माइनस में कनेक्ट करना है अपने दूसरे स्पीकर के, ठीक है। तो चलिए फिर इसको कनेक्ट करते हैं माइनस में हमारे दूसरे स्पीकर में। तो ये मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए, इसका प्लस आके इसमें दूसरे हमारे एम्पली दूसरे सॉरी दूसरे स्पीकर में जो है माइनस में हमने लगा लिया, ठीक है। उसके बाद इसके जो माइनस के टर्मिनल आप देख सकते हैं, ये टर्मिनल इसके माइनस से वायर हमें एक वायर यहाँ पे लेना है, ठीक है, और एक जो दूसरा है इसके प्लस, एक स्पीकर के माइनस से दूसरे स्पीकर के प्लस से हमें वायर जो लेना है वो ये दो वायर हमारे जो है एम्पलीफायर में लगेंगे, ठीक है। तो ये गाइस, ये दोनों वायर हम एम्पलीफायर में लगाएंगे तो ये हमारा जो है पैरेलल कनेक्शन हो गया। अब इसके मैं नुकसान और फ़ायदे भी बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है गाइस, इसमें जो है आपके वाटेज जो है स्पीकर के वाटेज जो है बढ़ जाते हैं। जैसे कि ये 200 वाट का स्पीकर है, ये 200 वाट का स्पीकर है, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर 400 वाट के स्पीकर हो जाएंगे, ठीक है गाइस। तो ये दोनों मिलाकर 400 वाट के स्पीकर हो जाएंगे, प्लस ये 8 ओम का है और ये भी 8 ओम का, ठीक है। ये 8 ओम का, ये 8 ओम का, दोनों मिलाकर 16 ओम्स हो जाते हैं पैरेलल कनेक्शन सीरीज कनेक्शन में, ठीक है गाइस। सॉरी, सीरीज कनेक्शन में दोनों जो हैं ओम्स इसके बढ़ जाते हैं, ये 8 ओम, ये 8 ओम, तो दोनों मिलकर 16 ओम्स हो गए। अब इसके मैं नुकसान भी बता देता हूँ गाइस। इसके नुकसान ये है कि अगर आपका एक स्पीकर ख़राब हो जाता है, बाय चांस एक स्पीकर जो है ख़राब हो जाता है, तो ये स्पीकर भी नहीं बजेगा, क्योंकि इसी में से जो कॉइल का राउंडिंग जो है बढ़ जाता है, ठीक है। ये समझ लीजिए एक कॉइल हो गया, दोनों मिलकर एक कॉइल हो गया जो कि 400 वाट का है। तो अगर बाई चांस ये वाला आपका ख़राब हो जाता है तो दूसरा स्पीकर भी नहीं बजेगा, ये इसके नुकसान है, ठीक है गाइस। तो अब कनेक्शन करते हैं पैरेलल, ठीक है। तो चलिए फिर पैरेलल कनेक्शन करते हैं। तो गाइस, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे दो वायर मैंने फिर से ले लिया, ठीक है। तो ये दो वायर आप देख सकते हैं, अब हम लोग इसका पैरेलल कनेक्शन करते हैं। तो सिंपली जो है पैरेलल कनेक्शन करने के लिए आपको एक स्पीकर प्लस का आपको दूसरे स्पीकर के प्लस में इस तरह से लगा लेना है, ठीक है। तो ये मैं लगा लेता हूँ इस तरह से। तो ये देखिए, मैं इसको कनेक्ट इस तरह से एक वायर आप देख सकते हैं, ये इसका प्लस, दूसरे स्पीकर का प्लस,
पहले स्पीकर के प्लस दूसरे स्पीकर के प्लस के साथ जोड़ना है, सेम उसी तरह से माइनस को भी हमें इसी तरह से जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए फिर इसको मैं जोड़ लेता हूँ। ये हमारा पैरेलल कनेक्शन हो गया है। सभी लोग जो हैं अधिकतर आप लोग जानते होंगे पैरेलल कनेक्शन में ही आप लोग सभी लोग चलाते हैं। ठीक है, तो ये गाइस आप देख सकते हैं ये माइनस आ गया, सॉरी ये प्लस आ गया प्लस पे, और ये माइनस आ गया माइनस पे, और ये हमारा चला जाएगा एम्पलीफायर में। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका कनेक्शन जो है कर सकते हैं। तो अब इसके जो फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है गाइस, इसमें आपके ओम्स जो है घटते हैं, जैसे 8 ओम्स का ये हो गया, 8 ओम्स का ये, तो दोनों मिलाकर 4 ओम के हो जाते हैं, इसमें ओम्स घटते हैं। और प्लस ये 2 स्पीकर है। ठीक है गाइस, ये एक स्पीकर नहीं होगा, अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो ये 2 स्पीकर हो जाते हैं, 200 वाट का ये अलग स्पीकर, 200 वाट का ये अलग स्पीकर। और इसमें एक बात और गाइस कि जैसे ही आपका ये स्पीकर ख़राब हो जाता है फिर भी आपका ये दूसरा स्पीकर बजेगा, इसमें बंद नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो गाइस आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से आप सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं। तो हाँ, और वायर आप कौन सा इसके लिए 200-300 वाट के वायर, 200-300 वाट के स्पीकर के लिए वायर कौन सा यूज़ करेंगे, तो गाइस आप मिनिमम 1.5 mm से 2.5 mm तक का वायर जो है यूज़ कीजिए, तभी आपका स्पीकर जो है अच्छे से बजेगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।